कुछ संत मैरीज पब्लिक स्कूल से आज मैं एम वन क्लास में आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी में आपका शब्द बनाने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं शब्द कैसे बनता है। स्वर अक्षर का शब्द हम आपको बताने जा रहे हैं, स्वर अक्षर का शब्द बताएंगे और लिखेंगे जो कैसे बनता है। और शब्द स्वर अक्षर का पहला अक्षर क्या है, अ से क्या होगा, अ से अनार। अ से क्या होता है बच्चों, अनार। और दूसरा शब्द क्या बनता है, अजगर। दूसरा अक्षर क्या बनता है, दूसरा शब्द अजगर। और अ से अनार, अ से अजगर, ये आप बच्चों देख रहे हैं। अ से क्या बना है शब्द बनाने में, अ से अनार, अ से अजगर। अ के बाद क्या होता है, अ के बाद आ, तो आ से शब्द बनाना है, आ का शब्द बनाना है। आ से कौन कौन सा शब्द बनता है सो देखिए, आ आ है। आ के बाद आ से क्या होता है, आ से आम, आ से आम, एक शब्द बन गया। आ से एक शब्द बन गया और दूसरा आ से क्या बनेगा, आईना। दूसरा क्या बनता है, आईना। तो बच्चों हम आ से बता दिए शब्द बनाने में, शब्द बनाओ। आ से क्या बना, आ से अनार और अजगर। दूसरा आ से क्या बना, शब्द बना, आ का शब्द बनाना है, तो आ का शब्द आ से आम, आ से आईना। और छोटी ही का शब्द देखिए, छोटी ही का शब्द हुआ ई से इमली। ई से क्या होता है, इमली। आप देखिए ई से इमली और ई से इत्र। ई से क्या हुआ, इत्र। और बड़ी ई से देखेंगे, बड़ी ई से क्या बनता है, बड़ी ई से ईंक, बड़ी ई से ईंक। और एक और क्या बनता है, ईद, बड़ी ई से ईद। तो आ और ई, छोटी ई बड़ी ई से ए चारों का ई शब्द बना दिए। और छोटा ऊ, अब छोटा ऊ का ऊ शब्द देखिए, छोटा ऊ शब्द क्या बनेगा, उपहार। छोटा ऊ से उपहार। और बड़ा ऊ से क्या बनता है, ऊन। बड़ा ऊ से ऊन। और री से रीसी, रीसी। अब देखिए बच्चों आज हम स्वर अक्षर का शब्द बनाना हम आपको बताने जा रहे हैं, बताए हैं शब्द बनाना। तो शब्द कैसे बना, शब्द बना, शब्द कैसे बनता है स्वर अक्षर का। अ से रीता, अ से क्या बनाया है शब्द, अ से अनार, अजगर, आ से आम, आ से आईना, ई छोटी ई से इमली, इत्र, और बड़ी ई से ईंट, ईद, छोटा ऊ से उपहार, बड़ा ऊ से ऊन, और री से ऋषि। आप शब्द बनाइएगा इसी तरह से जिस तरह से हम बता दिए हैं, अ से अनार, अ से अजगर, अ से अदरक, इस तरह से शब्द बनेगा। और आ से आम, आ से आईना, ई से इमली, ई से इत्र, ई से ईंक, ई से ईंट, ऐसे भी बहुत तरह का जो शब्द आता है जो बनता है। ऊ से होगा बड़ा, ऊ से है उद बिलाव, री से ऋषि, री से ऋतु, ऐसा शब्द बना हुआ है। और आपको हम इतना ही बताते हैं शब्द बनाने में, और इसके बाद हम आपको अगले चैप्टर बताएंगे ऐसे ऐसे शब्द बनाने के लिए। शब्द ऐसे क्या होता है, ओ से क्या होता है, अ से क्या होता है, क्या शब्द बनता है। तो बच्चों आप इतना तक आप बनाइएगा और बना करके
आप हमको दिखाइएगा और इसको पढ़िएगा, और इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें ऐसा एक राइटिंग का बुक ले लीजिएगा, यह है बुक लिखने वाला। बच्चों आप इसे आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप ये बुक खरीद लीजिएगा और ये बुक खरीद करके इसमें आप लिखने का अभ्यास कीजिएगा। ये लिखने वाला आपका कॉपी है, बुक है, इसमें आप राइटिंग लिख सकते हैं। तो हम आपको इतना ही तक आपको हिंदी में बता दिए, अब इसके बाद कल पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।